हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलीप शर्मा आपका अपने चैनल शेखावटी गार्डनिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आपको आज इस जैनथस के पौधे के बारे में सर्दियों में कैसे केयर करें कि ये सर्दियों में हरा भरा रहे। ये सर्दियों का पेरिनियल प्लांट, एनुअल पेरिनियल प्लांट है, और इसके कैसे सर्दियों में हम केयर करें कि इसके फूल बहुत अच्छे हों, और कैसे इसकी देखभाल करें कि ये इसकी फूलों की साइज बहुत बड़ी हो और बहुत अच्छे तरीके से फुल ब्लूम हो। ओके फ्रेंड्स, इसकी सॉइल की बात करते हैं। पहले अपन इसकी सॉइल में 1/3 गार्डन सॉइल, गार्डन की जो टॉप सॉइल होती है वो गार्डन की सॉइल, 1/3 सैंड, सैंड रिवर सैंड जो बजरी की रेत होती है वह सैंड। अगर आपके पास नहीं हो तो कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं। कोकोपीट यूज करने के बाद पानी वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोकोपीट जल्दी ड्राई नहीं होती और वो अपने अंदर पानी को मॉइस्चर रिटेन करके रखती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कोकोपीट में लाने पर। और 1/3 सैंड, 1/3 गार्डन सोइल, 1/3 काउडंग मैन्योर, किचन वेस्ट कंपोस्ट, गॉट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड, जो भी एनी फर्टिलाइजर जो भी आपके पास हो वो, और 1 चम्मच एनी फंजीसाइड साफ बेवस्टीन मैनकोजेब वो भी डाल सकते हैं, और बोन मिल भी डाल सकते हैं, एक मुट्ठी नीम की खली। ऐसा मिक्सचर बना के हम इसकी सॉइल तैयार कर लेंगे। इसको सनलाइट कैसी चाहिए? डायंथस प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए, ये फुल सनलाइट में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। डायंथस प्लांट को स्लाइटली एल्केलाइन सॉइल पसंद होती है। मोस्टली प्लांट्स को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, पर डायंथस प्लांट को स्लाइटली एसिडिक सॉइल, एल्केलाइन सॉइल पसंद होती है। एल्केलाइन सॉइल करने के लिए इसमें हम 1 चम्मच चूना डाल सकते हैं। 1 चम्मच चूना पानी में भिगो कर वो चूने का पानी इस प्लांट में डाल देंगे। पानी कैसे डालें इसके अंदर, सर्दियों में पानी कैसे डालें? सर्दियों में पानी डालने के लिए इसको इसकी टॉप सॉइल सूखने पर ही इसको पानी डालना है। जैसे यह मेरी सॉइल एकदम मॉइस्ट है, मॉइस्ट होने पर इसको पानी नहीं डालें, मॉइस्ट सॉइल पर पानी नहीं डालें, टॉप सॉइल सूखने पर ही पानी डालें। फर्टिलाइज़र क्या क्या दे सकते हैं इसे? फर्टिलाइज़र 15 से 20 दिन में इसे लिक्विड कंपोस्ट दे सकते हैं। लिक्विड कंपोस्ट दे सकते हैं 15 से 20 दिनों में, क्योंकि ये विंटर्स के फ्लावर्स हैं, इनमें इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है। इन ये सर्दियों में बीज से उगते हैं, और इसकी कि डायंथस के प्लांट की फूल बहुत ज़्यादा पा सकते हैं। जी जो मैंने केयर बताई उसके अकॉर्डिंग इसके डायंथस में फूल बहुत ज़्यादा पा सकते हैं। डायंथस के जो स्पेंट फ्लावर हो, डायंथस में जो सर्दियों में इसे बहुत अच्छी तरीके से। अब हम मैं इसके पिंचिंग के बारे में बताऊंगा कि पिंचिंग क्या होती है। पिंचिंग ये होती है कि जैसे ये न्यू ब्रांच है और यहाँ से इसको कट करना पिंचिंग कहलाती है, जिसे 2 ब्रांचेज आएगी। यहाँ से इसे कट करना, इसे 2 ब्रांचेज आएगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उतनी ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। और पिंचिंग क्या करते हैं, डेड हेडिंग। जैसे ये मेरा फ्लावर स्पेंट हो गया है, इसको काट देंगे। डेड फ्लावर्स को काटना ही डेड हेडिंग है। इसकी डेड हेडिंग भी करनी है और पिंचिंग भी। पिंचिंग तो डेड हेडिंग कर सकते हैं। डेड हेडिंग करने से क्या होगा, स्पेंट फ्लावर अपना न्यूट्रिशन इस प्लांट से नहीं लेगा, और ये प्लांट जो इस डेड फ्लावर्स को न्यूट्रिशन दे रहा था, वो न्यूट्रिशन इन खिले हुए फ्लावर्स को देगा। इसको कैसे उगा सकते हैं? इसको उगाने के लिए हम इसकी सीडलिंग से भी उगा सकते हैं और इसकी कटिंग से भी उगा सकते हैं। ये मेरा प्लांट है जो मैंने नर्सरी से परचेज किया हुआ है, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि हिमाचल, उत्तराखंड, ये ठंडे प्रदेशों में इसकी सीडलिंग पहले से तैयार कर लेते हैं हम ग्रीन हाउस में, और फिर ये अपने जहाँ सर्दियाँ स्टार्ट होती है तब ये अपने को फुल फ्लावर देता है। मैंने जो सीडलिंग की थी वो ये है। ये अभी बहुत छोटी है, ये मैंने जो अपनी सीडलिंग की है वो ये है, ये अभी तक बहुत छोटी है। जनवरी में ये फ्लावर्स देंगे, जब तक ये फ्लावर देंगे, और इसको फंगस
फंगस की भी मेन शिकायत मेन प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए फंगस के लिए इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सके। नीम ऑयल लिक्विड लिक्विड सॉप, एक लिक्विड सॉप और एक चम्मच एक लीटर वार्म वाटर में गर्म पानी में डालकर और इसका स्प्रे कर सकते हैं 15 से 20 दिनों में। इसकी इसके अगर फ्लावर्स नहीं आए तब क्या करें? अगर डायंथस प्लांट के फ्लावर्स नहीं आए तो इसे स्लाइटली एल्केलाइन सोयल पसंद है, जिसके लिए एक चम्मच चूना और या फिर एक चम्मच चौंक पाउडर डालकर इसको एक लीटर में पानी में डिजोल्व करके इसको प्लांट्स को दे सकते हैं। मेरे को जो डायंथस के बारे में जानकारी थी मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, बाय। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ओके फ्रेंड्स।